साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी भाई। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बात टॉपिक पे। इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन यहां पे मिलती रहे। तो भाई आज अपन बात करेंगे कुछ वर्ल्ड लेवल पे, बात करेंगे कुछ इंडियन लोगों की मौत हुई है कोरोना की वजह से विदेशों में, इससे रिलेटेड हम बात करने जा रहे हैं। भाई देखिए, पूरे वर्ल्ड में महामारी का दौर चल रहा है, लगभग 200 देशों में कोरोना पहुंच चुका है, 30 लाख प्लस अभी तक लोग रिकवर इसमें संक्रमित हो चुके हैं, 2,25,000 से ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है, 10 लाख के करीब अभी तक इसमें रिकवर हो चुके हैं। ये तो आंकड़े बताते हैं, बाकी सच्चाई ये नहीं है, कुछ सच्चाइयाँ कुछ और होती हैं। हमारे 1.5 लाख संक्रमित हुए थे, 4-5 हज़ार लोग मरे, जबकि इंडिया के बहुत सारे लोग चाइना में भी रहते हैं, डॉक्टर्स भी बहुत हैं चाइना में, वो बोलते हैं 1.5 लाख मौत हुई है। अब आंकड़े तो यहाँ से आपको पता लग जाते हैं कि भाई गवर्नमेंट ज़्यादा जहाँ मौतें होती हैं वो उनको क्लियर नहीं करती, थोड़ी बहुत हो जाती है वहाँ तक तो चल जाता है। ये बातें मैं इसलिए बातें कर रहा हूँ साथियों कि ये बातें करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सऊदी में कल की डेट, परसों की डेट में 10 इंडियन लोगों की मौत हुई थी, आज की डेट में 7 बढ़ के 17 लोग इंडियन लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना की वजह से। ये कोरोना की वजह से सऊदी अरबिया में 17 इंडियन अभी तक लोग मारे जा चुके हैं, और कंट्रियों के अपने पास कोई डाटा नहीं है, जैसे दुबई है, मरे तो सब जगह हैं, ये दिमाग जहां लोग ज़्यादा होंगे वहां पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो वहां लोग मरेंगे, तय बात है। अब अमेरिका में कितने लोग मर गए, हज़ारों की संख्या में लोग मर गए, तो क्या इंडिया वाले लोग लोहे के थोड़ी बने, वो भी तो चपेट में आएंगे। तो ये मैं कुछ सावधानी बरतने के लिए कुछ टॉपिक आपको बताऊंगा, और ये रीज़न क्या है, इस वजह से ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा किन लोगों के साथ ये आ रही है, ये उस बात पे हम टॉपिक पे आज बात करेंगे। देखिए भाई, विदेशों में आप लोग रहते हैं, 80% कामगार यानी विदेश में, इंडिया के मान लो या कहीं के भी मान लीजिए, जितने भी लोग रहते हैं 80% कामगार मजदूरी करने वाले बंदे हैं, और वो इनकी चपेट में क्यों आ जाते हैं। जैसे अपने बात करते हैं सऊदीया में 17 इंडियन लोग अभी तक इस चपेट में आ चुके हैं, यानी कोरोना में मर चुके हैं, और कोरोना सऊदी में हाई लेवल पे है, यानी 20,000 प्लस अभी तक 25,000 के करीब आंकड़े पहुंच चुके हैं, खूब सारे लोग भी मर गए। इसमें देखिए रीज़न क्या है, पहली बात तो ये कि मेन दिक्कत इनको ये आती है कि इनका जो रूम है, एक रूम में 8-10 लोग रहते हैं, ये आपको पता है भाई, ये बीमारी है एक दूसरे से, मतलब पास में बैठने से हो जाती है। तो ये जो वर्कर लोग विदेशों में बैठे हैं, इनकी सबसे बड़ी मजबूरी है कि ये कंपनियों में रहते हैं या कैंपों में रहते हैं या रूम लेके रहते हैं, तो एक रूम में 8-10 लोग बैठे हैं, ठीक है। अब उनमें किचन सेम सबका कॉमन है, लेट बाथ सबका कॉमन है, रहना खाना सबका कॉमन है। अब मान लीजिए एक रूम में 10 लोग रह रहे हैं, और एक बंदा मजबूरी में मान लो या अकारणवश मान लो, भूलवश मान लो, वो बाहर जाके आ जाता है, तो आप ये सोचिए कि वो सबको ले बैठेगा, ये श्योर बात है, इस बात को आप मानते हैं। और ये सबसे बड़ी मजबूरी है, इंडियन वर्कर या और कंट्रियों के वर्कर अगर विदेशों में मरेंगे तो इनकी सबसे बड़ी, कोरोना से अगर मरते हैं तो यही प्रॉब्लम आएगी कि ये फिजिकल डिस्टेंस की वजह से ये लोग मर रहे हैं, क्योंकि फिजिकल दूरी ये नहीं बना पा रहे, इनकी मजबूरी होती है रहना बिल्कुल थोड़ी जगह, किचन वही किचन में 10 लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, खाना बना रहे हैं खा रहे हैं, अब कौन आदमी कहाँ से जाके आया, नो आइडिया। लेट बात भी सबका सेम है, कौन आदमी कहाँ से जाके आ रहा है, क्योंकि 10 आदमी है तो एक परिवार के नहीं है, 10 राज्यों के हो सकते हैं, 10 जिलों के हो सकते हैं, हो सकता है 10 लोगों में 4 देशों के भी 10 लोग हो सकते हैं। तो इस वजह से ये बीमारी ज़्यादा बढ़ रही है भाई, सऊदिया में इंडिया के 17 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं कोरोना की वजह से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप वर्कर हो, लॉकडाउन के दौरान ध्यान रखें मेरे भाई, आपके पीछे परिवार है, वो आस लगाए बैठा है, थोड़ी सी अगर आप गलती कर देते हो तो आप तो जाओगे अपने परिवार को ले बैठोगे। स्थिति ये भी हो सकती है, जैसे इतनी लाशें हैं ना, ये बहुत सारे अपने हमारे राजस्थान में देख लीजिए, जयपुर में या और जगह देख लीजिए, इतने लोग मर रहे हैं कि सरकार या पुलिस प्रशासन उनको लाश तक नहीं दे रही है, वो वहीं के वहीं ख़त्म, उनको जला देते हैं, उनको मृत्यु प्रमाण पत्र पहुंचा देंगे घर पे कि लो आपका मृत्यु प्रमाण पत्र है, इस वजह से यहाँ से उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। सच्चाई है, लोग घर वालों को लाश तक नसीब नहीं होती, और ये कोरोना पीड़ित होते हैं तो भाई उनकी तो कोई संभावना ही नहीं है। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट मैं ये कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आप ध्यान रखें, क्योंकि सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि ये जो हम पहले से आप लोग कमज़ोर हो वहाँ पे, क्यों, अगर पैसे वाले होते तो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी। और उसके बाद में जो संसाधनों की कमी है, अब सेखों के नहीं होंगे भाई, वो बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इंडिया में जितने भी कोरोना की मौत हुई है वो बड़े लोगों की नहीं हुई है, करोड़पति लोगों की, वो गरीब लोगों की हुई है,
हो सकता है कुछ करोड़पति भी होंगे जो अपनी गलती की वजह से मारे गए होंगे, बाकी सच्चाई यही है, उनको निकलने की क्या जरूरत है, वो तो सामान भी नौकर से मंगवाएंगे बाहर जाके, समझ रहे हो बात को। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें, बाहर निकलने से पहले पूरा आप अपना तरीके से जो भी आपको नॉलेज है आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, परिवार के बारे में ज़रूर सोचना कि हम गलती कर बैठेंगे तो अपन तो जाएंगे, अपने परिवार के क्या हालात होंगे। तो साथियों यही बस मेरा शायद ये पहला वीडियो अपना YouTube पे रहेगा कि मैं विदेश में मरने वालों के बारे में आप लोगों के साथ बातें शेयर कर रहा हूँ। 17 लोग सऊदी में मर चुके हैं और दुबई में भी मरे हैं, अब कितने मरे हैं ये अंदाज नहीं है, उनका आंकड़ा मेरे पास नहीं है इसलिए मैं नहीं बता सकता। ख़ास तौर से तो विदेश में बैठे हैं भाई, वो थोड़ा सा ध्यान रखें इस बात का, क्योंकि इंडिया में अगर कोई कोरोना से मर जाता है ना तो घर वाले संतुष्ट होते हैं क्योंकि वो उनकी आंखों के सामने हो रहा है, अगर विदेश में कोई मर जाता है ना तो अब क्या बताएं, आप समझ सकते हो क्या स्थिति घर वालों पे गुजर सकती है। तो बस यही जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी साथियों, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।